हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पू फॉर एवर। इंडिया में तो अभी 7 बज गए होंगे या फिर 10, साथ में इंडिया में 7:27:30 करीब होने वाला होगा। यहाँ पे 11 बजने वाले हैं गाइस अभी, और मैं उड़ गई थी 10 बजे को ही, लेकिन सागर आ गया था और मेरे को कैरेट का फ़ोन दे कर गया है। तो मैं अभी नेट देख रही थी 1 घंटा ऐसी स्क्रोलिंग। और क्या बोल रही थी मैं, सागर आज उठा था 8:30 को, बिकॉज वो थक गया था। कल पूरा CDI इंस्पेक्शन सब था ना, तो वो थक गया था, तो इसकी वजह से वो 8:30 को उठा था। एंड अभी मेरी नींद इसके 2-3 बार खुली थी। 8:30 को वो गया तब मेरी नींद खुली, फिर वो अभी 10 o'clock को आया, उसको बॉयलर सूट पहनना था, तो फिर वो आया तो मैंने बोला कि चलो उठ ही जाती हूँ अभी। मैं आज बहुत थोड़ा बहुत काम है मेरे को, तो करते हैं वो सब काम गाइस, और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए सो गाइस, पहले थोड़ा गर्म पानी पीते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। सो गाइस, पानी पी लिया अभी ना मैं, मतलब थोड़े दिनों से मैं उठती हूँ, पहले तो हॉट वाटर पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा फेस मसाज करती हूँ। आजकल आप इंस्टाग्राम पे तो देख ही सकते हो, सब जगह फेस मसाज, वाशा यूज़ करते हैं, कोई स्पून यूज़ करते हैं, कोई अपने हाथ यूज़ करते हैं। तो मैं कभी कभी हाथों से करती हूँ, आज मैं सोचती हूँ वाशा से करूँ। काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया, लेकर तो आई हूँ, 1-2 बार यूज़ किया शिप पे। सो ऑयल तो है यहाँ पे रेडी, जो ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल है वो है। तो पहले तो पिन लगाएंगे, सब कुछ रीच में होना चाहिए हमारे। तो अब मैं कैसे करती हूँ ये सब आपको इतना बताऊंगी, एक्सप्लेन क्या करूँ मैं आप लोगों को ना, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो थोड़ा सा तेल लेना है आपको, ये याद रखना है कि आपको ड्राई फेस पे कोई भी मसाज नहीं करना है, या तो मॉइस्चराइजर लगाओ या तो क्या बोलते हैं ऑयल, ऐसा कुछ लगा लेना आप लोग, ठीक है। तो मैं तो ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ। बस आपको हल्का सा मॉइस्चराइज करना है थोड़ा सा ना, ताकि अच्छे से मसाज जो है वो थोड़ा ग्लाइड हो। तो मैं ऐसे थोड़ा सा उसको रब करती हूँ ताकि थोड़ा वो हीट हो जाए, गर्म हो जाए तेल। सो पहले स्टार्ट करते हैं, अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं गाइस, फटाफट आपको वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी मैं। हो गया मसाज, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का रहता है। एंड अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ, फटाफट ब्रश करना है ना यार, पहले ब्रश करूँगी फिर उसके बाद रेडी होके मैं नीचे जाऊँगी। बिकॉज आज ना वो बना रहे किंग फिश बना रहे यार। तो वो कैसे बनाते हैं, जस्ट मसाला लगाता है, फ्राई करते हैं नॉर्मल। तो मुझे तो वो रवा डाल के पसंद है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे लिए अलग से रखना 4 पीस, मतलब सागर के लिए दो, मेरे लिए दो, मैं उसको आके रवा लगा के फ्राई कर दूँगी। वो भी करेंगे, उन्होंने बहुत बार किया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता यार हर टाइम भाई हम लोग के लिए कैसा मैं बोलूँ ना। तो मैं इसके लिए बोलती हूँ कि वैसे भी मैं फ्री हूँ, मैं इसको उनको बोलती हूँ कि आप सिर्फ मसाला डाल दो, सबके लिए ऐसे डालते हो वैसे डाल देना, आप साइड में रख देना, मैं आके कर दूँगी। तो अभी 11:05 हुआ है, तो फटाफट चलते हैं नीचे और फ्राई करके फिर रखते हैं, ताकि फिर लंच में रेडी रहे। तो पहले ब्रश करते हैं। सो गाइस, मैं हो गई रेडी, अभी फिर थोड़ा सा वॉश करूँगी, फिर अंदर रख दूँगी थोड़ा सा ना लूक वार्म वाटर विद हल्का सा सोप, थोड़ा सा डाल के ना वॉश करके रख। Thank you.
सो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर तीन माला चढ़ के एंड आपने देखा कि कैसे सब रेडी करके रखा था उन्होंने. वो फ्राई कर ही रहे थे फिश, मतलब विदाउट रवा जो है ना वो फ्राई कर रहे थे. एंड सब उन्होंने काट के भी रखा था टमाटो अनियंस, शाम के लिए कुछ बना भाजी भाजी बना रहे उनके लिए सब काट के रखा था. और मैंने फिर रवा लगा के उसको मस्त फ्राई किया एंड आपने देखा कि मस्त क्रिस्पी क्रंची एकदम गोल्डनी. 6 पीसेस रखा है उन्होंने हमारे लिए, 4 बोला था बट 6 रख दिया उन्होंने. ठीक है तो अभी 11:25 हुआ है, मैं जाती हूँ नहाने, फिर आपसे मिलते थोड़े टाइम में. बाय. सो गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश, स्किन केयर कर लिया है, अभी मैं बॉडी लोशन लगाने वाली हूँ. मैंने आपको बताया था ना ये मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर शेड्स सेरेमाइड एंड वाइटामिन सी बॉडी लोशन, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे. मतलब फिर भी मतलब मेरे ड्राई फ्लेक्स है ना यहाँ पे कभी कभार निकल जाते हैं. सो मैं ये 2 ही बॉटल लेके आई थी, अभी सेल चल रहा था ना बीच में, बाय 2 गेट 2, तभी मैं लेके आई थी क्योंकि वैसे तो ये बहुत कॉस्टली है, 350 का है तो 700 में मुझे 4 मिल गए थे, तो 2 ठीक है, वरना 350 का ये और 200 ml थोड़ा सा कॉस्टली लगता है मुझे. तो सागर के पास ये था तो मैं ये और वो दोनों मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि ये अगर लगा दूंगी तो फिर तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, तो छोटू सा बॉटल है. सो गाइस लंच पे है आज किंगफिश राइस, सम सैलड, ये कैबेज एंड कैरेट, और दाल अभी आने बाकी है. और फेवरेट सागर का दाल मैंगो पिकल. सो गाइस आ गया है सुरमई, किंगफिश सुरमई होता है ना? yes. नहीं क्या, मेरे को नहीं पता, ले लो सागर टेस्ट के बताओ. मैंने इतना मेहनत करके तेरे लिए बनाया, पता तेरे को तड़प ही ऐसी है. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. देखो सागर, देखो एकदम इधर फोक एंड चम्मच से सब खाता है. कैसा है? मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ रवा डाला है, मसाला सब उन्होंने ही डाला है. नाइस. हम लोग ये हेल्दी वाला सैलड तो खाते ही नहीं है, क्यों नहीं खा रहे हैं हम लोग? ये सब खाना चाहिए हम लोग को, बट ये नहीं खाते हम लोग. ये देखो मेरा प्लेट. चलो अभी खाने के बाद मिलते हैं आप लोग से. सो गाइस शिप में ना एक चीज़ है कि आपको ना सिर्फ हर ऑल्टरनेटिव फिश मिलेंगे, वो भी एकदम मस्त मस्त, पापलेट, ब्लैक पॉम्परेट, किंग फिश, सैल्मन, मज़ा आ गया है ना. तो गाइस अभी मैं लेकर आई हूँ फ्रूट कीवी, वहाँ पे नहीं खाया मैंने, बाउल में लेके आई हूँ. और ये रहा सागर, नेट उसको हॉटस्पॉट मिल गया तो फटाफट क्या देख रहा है, फुटबॉल का सब कुछ अपडेट देख रहा है, कौन किसके साथ खेल रहा है, कौन बाहर गया, किसका पॉइंट्स कितना है, इतना उसको क्रेज है फुटबॉल का. बहुत कम मिलता है यार, इधर तो चलता ही नहीं. हाँ लेकिन कम मिलता है, लेकिन जब मिलता है तब हम देखते क्या क्या देखते तब हम अभी फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी यार. ऐसे ही बोलता सागर तू, कार्गो खत्म. सागर तो चला गया है, अभी मैं खाऊंगी बैठ के ये सारा लीस ओरिजिनल बेक्ड चीज केक. ये लास्ट टाइम आपको दिखाया था मैंने, ये एक और कल ही चीको ने दिया था हमें, ये लास्ट बचा है तो उन्होंने कहा कि ले लो, तो हमने ले लिया. भाई आपको मैं व्यू बताती हूँ पहले, अभी बाहर का ना दिखाया नहीं आपको. ये देखें कितना ब्यूटीफुल है यार. पता जब हम लोग अंदर आ रहे थे ना इधर एंकर, ये एंकर पोर्ट पे, तो उसके पहले बहुत सारे माउंट मतलब एकदम लाइन से पूरा माउंटेंस थे एंड घर थे, एंड वहाँ पे उनका शायद फिशिंग का ऑक्यूपेशन है. अब यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ना सब फिशिंग नेट्स डाला है उन्होंने, यहाँ पे दूर दूर से फिशिंग नेट्स डाला है. और इतना काम है ना, देखिए आप देख सकते हैं पानी कितना काम है, नो रोलिंग नथिंग, बहुत खूबसूरत है. और ये जो भी अंदर आ रहे थे यूसू में, बहुत ही खूबसूरत व्यू था, नज़ारा इतना खूबसूरत था ना, ऐसा लग रहा था कि बस रुक जाए वहाँ पे. सो गाइस अभी 2:45 हुआ है, मैं जा रही हूँ नीचे, बिकॉज मैं ना हमेशा कभी हमेशा मतलब हफ्ते में 3-4 बार जब सागर ऐसा थोड़ा फ्री रहेगा ना तो मैं जाती हूँ एंड उसको मैं प्रोटीन शेक बना के देती हूँ एंड उसको थोड़ा सा ब्रेड बटर टोस्ट करके तो रख के मैं CCR में रखती हूँ ताकि उसको टाइम मिले तो खाए. आज हम लोग 5-6 बजे तक निकल जाएंगे, फिर से एंकर पे जाने वाले हैं तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट शायद डिनर करने वाला है वो, तो उसके लिए मैं जाके देख के आती हूँ. तो फ़ोन किया था सागर को भी मैंने, उसने बोला कि लेकर आ जा तो देख कर आती हूँ. और सागर का क्या होता है, वो पूछता नहीं है कुछ खाने के लिए, वो नहीं खाएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं नहीं लेके दूँ ना तो, इट इज़ ओके विद इट, बट मेरे को टेंशन होता है.
वैसा, इसके लिए मैं जाती हूँ उसको लेके कुछ खाने के लिए। सो जो शेखर है ना गाइस वो नीचे है, तो अभी नीचे से फिर ऊपर आना पड़ेगा। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इसी में ना थोड़ा सा पाउडर लेके जाऊँगी, इतना सा बस हो गया, पाउडर लेके जाऊँगी और फिर उसमें मिक्स करके दे दूँगी उसको दूध डाल के। फिर So guys, आ गई मैं वापस। 3 बज गए अभी और मैं अपने साथ 2 अंडे लेके आई। 2 यहाँ पे ब्राउन एग्स मिलते हैं, मतलब ब्राउन शेल एग्स मिलते हैं। एंड मतलब शिप पे कैसा होता है ना, जितना मेरे को सागर ने बताया, आपको डेली 2 अंडे मिलते हैं, ठीक है। आप उसको बॉयल करके खा लो या बुर्जी या फिर ऑमलेट या जैसे मेरे को खाना है वैसे 2 अंडे पर पर्सन मिलता है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे 5-6 अंडे खाने, तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा गाइस, 2-2 अंडे ही मिलते हैं। तो मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट वाला चाहती नहीं हूँ ना, तो मेरे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा पड़े भी होते हैं तो उस वजह से मैं लेके आई। फ्रिज में रखे हुए रहते हैं तो मैं 2 लेके आई मेरा वाला, बिकॉज मैंने खाया ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि क्या होता है ना, ये अभी स्पेशली 3 बजे से लेके 6 बजे तक ना भूख लगती है बहुत, ऐसा लगता है कुछ तो मंच करे, कुछ तो खाए। तो अभी अंडा थोड़ा सा हेल्दी भी है, प्रोटीन भी मिलेगा, मैंने बोला कि चलो वही खा लेते हैं। तो सागर को मैंने दे दिया, देखा वो अभी कैसे खा रहा था। पहले मेरे को बोल रहा था नहीं मेरे को भूख नहीं लग रही मत लेके आ, बट उसको कैसा है ना, वो बोलेगा नहीं, उसको जाके दोगे ना तब जाके खाएगा वो, ऐसा है वो। हम लोग कैसे है, हम लोग को भूख लगे तो हम लोग खुद जाके फ्रिज में ढूंढ के क्या कुछ ना कुछ बना लेंगे, बट उसका ऐसा नहीं, वो कंट्रोल कर लेता कि छोड़, जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगा तब देखा जाएगा। इसीलिए वो है स्लिम एंड ट्रिम और हम है नॉट स्लिम। सो अभी क्या करना है, मुझे कुछ काम तो नहीं है, पानी पी लेती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मेरे को। तो भाई ये सब बातें हो रही थी उधर, सेकंड ऑफिसर भी थे। अब मैं उनका सबका मतलब आपको मैं मिला नहीं रही हूँ उनको, उनको वीडियो में नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी नॉट एवरीवन इज़ कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड अभी काम पे भी है उन लोग, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। भाई गर्म पानी पी के मज़ा ही आ जाता है यार। तो अभी हाँ, एक लैपटॉप में भी काम है यार, वो एक कर, कहाँ कहाँ पे रखा है देखो लैपटॉप, इसमें है रोलिंग सब होती है ना। एक्चुअली एक वीडियो है मेरे पास, शॉर्ट्स है एक्चुअली, एक उसको एडिटिंग करना है, इसके लिए ना ये लगेगा मेरे को।
सो गाइस हमारे बीच आ चुके हैं एक नया मेहमान. कौन नया मेहमान? तू ही जो कभी कभी अपीयरेंस करते हैं हमारे चैनल पे. इतना बिजी है सागर. तो शिफ्ट पे काम है तो बिजी रहूंगा ना. 420 को अभी सागर आया है टू चेंज द क्लोथ्स. बॉयलर सूट में फिर जाने वाला है बिकॉज अभी क्या होने वाला है, हम लोग फाइनली बर्थ से निकल के एंकर में जाने वाले हैं. खत्म होने वाले हैं. इसके सागर बहुत बिजी है, भाग रहे हैं. फटाफट चेंज करो. सागर आता तो बहुत खुशी होती है मेरे को. जैसे आप कभी डॉगी को घर पे छोड़ के जाते हो तो उनके ओनर जब आते हैं तो कहते खुश हो जाता है ना एकदम. ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है कि कैसे लगता रहेगा पेट्स को जब हम घर पे छोड़ के जाते हैं बेचारे. बॉयलर सूट पहन लो. सो मैंने एडिटिंग कर लिया. मेरे को ना एक्चुअली टास्क बार है ना, टास्क बार में उसमें ना कुछ भी आइकन्स नहीं आ रहा था. मतलब वाईफाई डे टाइमिंग्स कुछ नहीं आ रहा था तो मैं उसी का सर्च कर रही मेरे को मिल ही नहीं रहा है उसमें. मतलब मिल रहा है लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. फिर उसके बाद मैंने रिस्टार्ट कर दिया तो आ गया. अभी एक्चुअली 6 बजे के बाद यहाँ से निकल नहीं सकते, नाइट नेविगेशन नहीं है. तो अच्छा होता है यार ऐसे इधर ही रहते तो. उन लोग को इसके लिए फटाफट 4:30 बजे खत्म होगा. उन लोग को फिर 5:30 बजे पायलट रख के निकालने के लिए. पर 6 बजे के बाद अगर नहीं होता है तो फिर सुबह होता है क्या डायरेक्ट? सुबह 6 बजे. वाओ तो अच्छा होता है ना. तो अच्छा होता है ना. बट अभी फटाफट